Hey guys, Assalamualaikum. This is Rabia Mukni. You're watching me on Fuchsia Magazine. और आज हमारे साथ कौन है इंटरव्यू में? आंगन इज़ वन ऑफ माई फेवरेट ड्रामाज. मैं हर किसी को बोलती हूँ प्लीज़ 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 जाके आंगन देखिए, वो वाला जिसमें एक बड़ी फैमिली की कहानी है, जिसमें यू नो ससुराली पॉलिटिक्स हैं और सब कुछ, एंड आपका हंस हंस के बुरा हाल हो जाएगा और बहुत मज़ा आएगा. और जब मैं आंगन देखती थी तो मेरी ख्वाहिश थी कि काश मैं इनकी राइटर, जो आंगन की राइटर हैं, उनसे मैं बात कर सकूँ. और मुझे बिल्कुल बिल्कुल नहीं पता था कि ज़िंदगी में एक दफ़ा मेरी ये ख्वाहिश पूरी भी हो जाएगी. तो आज मेरे साथ आंगन दिल लगी रांझा रांझा करती बंदे एक डोर से प्रेम कर ली और अब पहली सी मोहब्बत की राइटर हैं फायजा इफ्तखार. अस्सलाम वालेकुम फायजा, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आप बताइए कैसी हैं? सॉरी गाइस, हम क्योंकि फायजा लाहौर में है, मैं कराची में हूँ, और हम ऐसा नहीं हो पा रहा था कि हम ट्रैवल करें. बड़े दिन से ये इंटरव्यू हमने डिले किया हुआ था इस आस में कि शायद फायजा का कराची चक्कर लग जाए, फिर हमने कहा यार ऐसा लग नहीं रहा तो अब जूम पे ही बात करते हैं. अच्छा फायजा, बताइए थोड़ा सा हमारे व्यूअर्स को, आप अपने बारे में बताइए, आप कैसे कैसे स्टार्ट किया, कि कब आपने लिखना शुरू किया, पहली कहानी कब लिखी थी, आप अपने आपने कहाँ से पढ़ा है, ये थोड़ा सा बता दें पहले कि आपने कहाँ से पढ़ा है, घर में कौन कौन है आपके? घर में तो अब घर तो दो हो जाते हैं ना आपके, अगर आप मैं अपनी फैमिली का बताऊं तो बहने हैं माशाल्लाह से सात और मैं बड़ी हूँ. अच्छा, और जो मैं सबसे बड़ी हूँ. अच्छा. और फैमिली में मेरे तीन बच्चे हैं, हस्बैंड है. अच्छा, बच्चों में कौन कौन है आपके? दो बेटियां हैं, एक बेटा है माशाल्लाह. ओह वाओ, सो बेटियां बड़ी हैं या बेटा बड़ा है या क्या? मेरी बेटी बड़ी है, वो एमफिल कर रही है. ओह और जी, आप लगती नहीं है कि आपकी बेटी इतनी बड़ी है. उसके बाद फिर बेटा है और फिर सबसे छोटी बेटी है. अच्छा, और पढ़ा कहाँ से आपने, क्या पढ़ा हुआ है? मैंने पॉलिटिकल साइंस पढ़ा है. मैं बिल्कुल उससे, यानी जो मैं लिखती हूँ, जो मेरा काम है, उससे मेरी स्टडीज बिल्कुल डिफरेंट थी. मैंने पॉलिटिकल साइंस और सोशियोलॉजी पढ़ी है. और लेकिन ये था कि चूंकि हमारे घर में बहुत लिटरेचर का और इस तरह एक माहौल ऐसा था जिसमें आपको पढ़ने पढ़ाने का शौक होता है, बुक्स का, लिटरेचर का, शायरी का. और चूंकि जब आप तो हमारा घर का एक माहौल था, हमारे रात को बैठकर तो एक दूसरे को स्टोरी सुनाना, शायरी, नज़्म-ए- अदब, वो उस तरह की चीजें होती थी. और मैंने स्कूल लाइफ में तो नहीं लिखा, कॉलेज लाइफ में मेरी जो टीचर थी मैडम अल्ताफ फातमा थी, जो कि शायद आप जानते हो, बहुत बड़ी अदीबा हैं, तो वो मुझे बहुत फोर्स करती थी कि मैं लिखूं. शायद उन्हें अंदाजा था कि मैं लिख सकती हूँ. लेकिन बहुत से लोग मैंने देखा है वो टीनेज में भी बहुत कुछ बन जाते हैं, लेकिन मैं बहुत लाओबाली थी, मुझे बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था. वो चाहती थी कि मैं लिखूं, वो मुझे कहा करती थी कि तुम लिख कर कहीं भेजो, तुम में टैलेंट है. लेकिन मुझे उस वक्त, जैसा कि आपको पता है कि आपके एक एज होती है, आप हंसना, टीवी देखना, ये वो, तो मैं कहती थी नहीं नहीं मैं क्यों लिखने बैठ जाऊं. मैंने मेरे ख्याल 20 साल 21 साल की उम्र में लिखना शुरू किया, लेकिन वो डाइजेस्ट से मैंने स्टार्ट किया था. टीवी के लिए मैंने 2008 या 2009 में स्टार्ट किया. तो सबसे पहली कहानी याद है आपको अपनी जो आपने लिखी थी, क्या लिखा था आपने कहानी में? जी बिल्कुल मुझे याद है, वो बहुत सीरियस, असल में मैंने डाइजेस्ट में स्टार्ट बहुत सीरियस चीजों से किया था. और सेम यही टीवी के लिए हुआ. जब मैंने टीवी के, अगर आप मेरे पहले 3 सालों के चीजें देखें तो वो बहुत सीरियस और थोड़ा सा ऑफ बीट चीजें थी. डाइजेस्ट में भी यही था. बाद में मैंने लाइट लिखा. लोग पहले लाइट से करते हैं स्टार्ट और बाद में ग्रेजुअली आते हैं थोड़ा सा. मैंने टीवी के लिए भी पहले बहुत सीरियस चीजें लिखी. और डाइजेस्ट के लिए भी मेरा जो पहला नॉवल था वो था पूंज बिछड़ गए डारो, और वो बहुत संजीदा था. अच्छा, मुझे ये बताएं, जो पहली आपने कहानी लिखी डाइजेस्ट में, वो पहली बार में आपकी अप्रूव हो गई थी डाइजेस्ट के लिए? इसके बाद फिर आपकी कहानी छपी? जी जी, वो तो पहले में ही हो गई थी. ओह माशाल्लाह, तो पहली बार जब आपकी कहानी छपी, आपने अपने आप को अपना लिखा हुआ छपा हुआ देखा, तो आपका क्या रिएक्शन था? व्हाट वाज योर यू नो? ऐसा था कि मैंने वो लिखा और भेज दिया. मैं फ्री थी अपनी स्टडीज के बाद और अपनी शादी की तैयारियों में मगन हो गई, यही समझे. मैंने सितंबर अक्टूबर में भेजा, और जब शादी करके दिसंबर में, जनवरी या फरवरी का वक्त था जब मुझे कॉल आई
कि घर में तुम्हारे लिए ना एक डाइजेस्ट आया है और उसमें तुम्हारी कहानी छपी है। मैं भूल चुकी थी कि मैंने भेजी है 2-3 महीने तो मैं इतनी बिजी हो गई शादी और उसमें मैं वाकई भूल चुकी थी कि ऐसा कुछ मैंने भेजा है लिख कर, और फिर मैंने उसको सीरियसली लिया और बहुत लिखा। लेकिन जब पहली बार देखा तो खुशी कितनी थी, या बस सही थी, आपको यकीन नहीं आ रहा था? नहीं नहीं यकीन आने वाली तो कोई ऐसी बात नहीं थी, लेकिन बिल्कुल खुशी थी। तो यहाँ से नॉवल से राइजेस से होते होते टीवी का सफर, टीवी तक कैसे पहुंची, वो सफर क्या था वो हमें बताएं। उस वक्त लाहौर में तो इतनी प्रोडक्शंस नहीं होती थी, कराची में होती थी, लाहौर में इतनी नहीं होती थी। अभी लाहौर में इतनी नहीं होती, लेकिन फिर भी कुछ है। उस वक्त नहीं होती थी। मेरी समीना अहमद से मुलाकात हुई थी और उन्हें एक राइटर चाहिए थी, बहुत इमरजेंसी में चाहिए थी, और वो सिटकॉम के लिए चाहिए थी। और क्योंकि वो उनका, और वो ऐसा सिटकॉम था जो पहले से ही ऑन एयर था, लेकिन शायद उनके राइटर के साथ कुछ वो बीमार थे या कुछ था, तो उन्होंने मुझे कहा कि तुम लिख लोगी कॉमेडी, और मैंने कहा ठीक है मैं लिख देती हूँ। और उसके बाद एक तरफ से सारा आगाज हो गया। ज्यादा चैलेंजिंग होगा ना, क्योंकि आपकी अपनी क्रिएशन नहीं थी, किसी और की क्रिएशन को मैनेज करना उसी तरीके से, वो तो आपके लिए और ज्यादा चैलेंजिंग होगा। जी अच्छा, ओके। पहला कौन सा ड्रामा था जो आपने, जो आपका बहुत मशहूर हो गया, और तब आपको मतलब चौदहवीं का चांद था और वही पहला था। पहला मीन ये कि सिटकॉम में जाहिर है मैंने कुछ एपिसोड्स किए थे, लेकिन वो राइटर को राइटर के तौर पे जो उसमें थे, उसके ओरिजिनल राइटर तो कोई और थे। उसके बाद मैंने टेलीफिल्म्स की थी मजर मोइन के साथ, अच्छा, 3 या 4। अच्छा। और मैं उनके साथ एक सीरियल पे काम कर रही थी, लेकिन वो सीरियल अभी लिखा जा रहा था कि चौदहवीं का चांद मुझे ऑफर हुआ, और वो शायद रमजान ट्रांसमिशन का पहला सीरियल था। उसके बाद स्टार्ट हो गए रमजान के लिए। हाइसम का भी पहला ऑन एयर वो था, डायरेक्शन उनकी दानिश तैमूर और सनम बलोच भी अभी नए थे, तो तकरीबन हम सब नए थे, तो वो पहला था और वो बहुत हिट हुआ चौधरी का चांद। और लेकिन ये था कि उसके आने से पहले ही मैं लिख रही थी कुछ सीरियल्स। एक मजर मोइन के साथ था, एक बाबर जावेद के लिए था, लेकिन वो पहले ऑन एयर आया क्योंकि वो रमजान के लिए बन, जैसे जैसे वो लिखते गए शूट होते गए तो वो सबसे पहला ऑन एयर जो एक कंप्लीट जिसको आप सीरियल कह सकते हैं वो था, और उससे पहले मेरी 2 से 3 टेलीफिल्म्स ऑन एयर हुई थी। मुझे ये बताएं, ड्रामा लिखना, स्क्रिप्ट लिखना और डाइजेस्ट के लिए स्टोरी लिखना कितना डिफरेंट है, क्या चैलेंजेस होते हैं, आपको किसमें मजा ज्यादा आता है? मैंने डाइजेस्ट के लिए पिछले कई साल से कुछ नहीं लिखा, इसलिए अब मजा तो मैं नहीं कह सकती किसमें, लेकिन वो इजी होता है। इजी इन सेंस के आपके हाथ में सब कुछ है, आप जितना चाहे, मैं 2 साल एक कहानी को चला लूं प्लॉट अगर मेरे पास कहानी खुलती जा रही है, और हमारे पास बजट की लिमिटेशन नहीं होती, हम अपनी कहानी को कहीं भी ले जा सकते हैं, हम पास्ट में, प्रेजेंट में, हम 200 साल पहले भी ले जा सकते हैं, हम कुछ भी दिखा सकते हैं उसमें, क्योंकि हमने सिर्फ पेपर पर वो दिखाना है। लेकिन जब हम सीरियल लिखते हैं तो हमें सब कुछ देखना पड़ता है, हमें बहुत से फ्लैशबैक्स नहीं करने, क्योंकि लोग आज देख रहे हैं तो वो नेक्स्ट वीक अगली एपिसोड देखेंगे, तो वो कनेक्ट नहीं हो पाते हैं बहुत जल्दी उन चीजों से। हमें बजट देखना पड़ता है, हमें करेक्टर्स देखने पड़ते हैं कि हम कितने एक वक्त में रख सकते हैं। अगर मैं नॉवल लिख रही हूँ तो मैं 60 से 70 करेक्टर्स भी इसमें कर सकती हूँ अगर मैं किसी गांव का लिख रही हूँ, लेकिन हमें इसलिए सीरियल में आप थोड़े से लिमिटेड हो जाते हैं, बस यही फर्क है आपका उसमें और दोनों चीजों के लिखने में। आपके घर वालों का क्या रिएक्शन होता है, आपकी फैमिली का, आपके घर वालों का, बच्चे क्या कहते हैं, फैमिली क्या कहती है कि वो जब आपका ड्रामा चल रहा होता है वो देखते हैं, कोई फीडबैक देखते हैं, हाउ डज इट वर्क? देखते हैं, बिल्कुल देखते हैं, और फीडबैक भी मिलता है और अच्छा ही होता है। और हस्बैंड, वो उनको शौक होता है या वो कहते हैं अच्छा फिर तुम्हारे ड्रामे स्टार्ट हो गए? नहीं, उन्हें वो ऐसा तो नहीं है, लेकिन बस ये है कि मैं जब बहुत सर पे सवार कर लेती हूँ किसी कैरेक्टर को लिखते हुए, ऑन एयर जब आता है तो जाहिर है वो एंजॉय करते हैं, देखते हैं, लेकिन लिखते हुए वो मेरे कुछ कैरेक्टर्स होते हैं, कुछ स्टोरीज ऐसी होती हैं जो मैं बहुत ज्यादा डिप्रेस रहती हूँ उन दिनों, या रात जागती हूँ और कुछ ऐसा, तो वो थोड़ा वो उस पर कहते हैं कि ऐसी ना लिखा करो, उनका उनको होता है कि बस तुम ऑन जारा, प्रेम गली, ये वो लिखो, क्योंकि तुम वो इजीली लिख लेती हो और डिप्रेस नहीं रहती। उनका फेवरेट ड्रामा या कौन सा फेवरेट स्क्रिप्ट है उनका, आपके हस्बैंड का? रिसेंटली तो उन्हें रांझा रांझा पसंद आया था, लेकिन आजकल वो प्रेम गली भी बहुत शौक से देख रहे हैं कि इसमें अच्छा चलो कोई सास नहीं है, रोना धोना नहीं है, आपको पता है कि मर्दों की जरा अलग एक वो होते। अच्छा,
कभी आप स्क्रिप्ट पे उनसे कोई मशवरा लेती हैं कि अच्छा मैं ये लिख रही हूँ क्या करूँ, कोई ट्विस्ट आ गया, या उनसे फीडबैक? किसी को नहीं? किसी, अच्छा उनको पता होता है कि ड्रामे में होगा क्या, जैसे राजा राजा करती ना, उनको तो नहीं पता स्टोरी नहीं, उनको बिल्कुल इस चीज में कोई इंटरेस्ट नहीं। हाँ कभी कभी मैं बता देती हूँ कि मैं इस बार इस टॉपिक पर लिख रही हूँ, लेकिन वो जाहिर है प्लॉट क्या है ये चीजें ये डिस्कस नहीं, मतलब कभी होता है ना आप एक्साइटमेंट में किसी से शेयर करते हैं कि यार मैं इस दफा बहुत इस चीज पर लिख रही हूँ, लेकिन या कोई ऐसा एक्टर होता है जो उनको पसंद हो तो मैं बताती हूँ कि अच्छा इस दफा आपको पता है इमरान अशरफ को लिया, इन चीजों में इंटरेस्ट है, प्लॉट में स्टोरी और उन चीजों से उनको कोई इंटरेस्ट नहीं है कि मैं उनसे डिस्कस करूँ। अच्छा, मैं कभी किसी से भी नहीं करती हूँ अलावा डायरेक्टर के। तो आपकी फ्रेंड्स वगैरह वो अगर फॉलो कर रही हो तो वो बोलती है यार बता दो आगे तुमने क्या ट्विस्ट लाना है? इत्तेफाक की बात है, मेरी फ्रेंड्स राइटर्स ही हैं। ओके जो अभी है मतलब तो एक होता है ना आपका एक दौर होता है कॉलेज लाइफ की आपकी और फ्रेंड्स होती हैं, लेकिन आप जैसे जैसे मतलब आप जो होते हैं वही आपके फिर दोस्त होते हैं। तो इस वक्त पिछले 8-10 साल से जो मेरी जितनी क्लोज फ्रेंड्स हैं, सरवत हैं, आमना मुफ्ती हैं, गजाला हैं, वो सभी राइटर्स हैं, और हमने कभी एक दूसरे से अपनी कहानियां डिस्कस नहीं की। हम कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि मुझे पता हो वो क्या लिख रही है या मैं क्या लिख रही हूँ। लेकिन हाँ हम लोग जब हो जाती है कहानी कोई आ रहा है तो हम लोग जरूर अपने अपने एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, जो अगर हमें कास्टिंग के हवाले से डायरेक्शन या चैनल के हवाले से कोई भी एक्सपीरियंस हो तो हम एक दूसरे से शेयर करते हैं। भाई साहब तो आप इतने अरसे से लिख रही हैं, ड्रामे लिख रही हैं, you know, तो अब क्या होता है कि जब आप लिख रही हैं कोई कहानी तो आपके दिमाग में आ जाता है कुछ ऑटोमेटिकली, या आप सोच रही होती है कि या ये कैरेक्टर ये वाला एक्टर करे तो ज्यादा अच्छा होगा, अब होता है ऐसे? बिल्कुल होता है, बिल्कुल होता है। ये रांझा रांझा के साथ ये हुआ था, डायरेक्टर भी और एक्टर भी। डायरेक्टर के लिए भी मैंने पहले ही सोच लिया था, लिखने से भी पहले जब सिर्फ कहानी सोची ही थी तो मुझे लगा था कि काशिफ नहीं कर सके, काशिफ के अलावा और कोई नहीं कर सकेगा, और काशिफ शायद बिजी थे उनकी वजह से हमने कुछ महीने इंतजार भी किया था। अच्छा, ओके ओके जी। और बल्कि मैंने आपकी एपिसोड्स रोक दी थी, मुझे लगा कि ये लेट करेंगे काशिफ तो कहीं प्रोडक्शन हाउस जल्दी में किसी और को ना दे दे, तो मैंने आखिरी एपिसोड्स नहीं लिखी थी जब तक काशिफ फ्री नहीं होगे, कि कल को प्रोडक्शन हाउस ये ना कहे कि चूंकि वो बिजी हैं और हम जल्दी शूट पे ले जा रहे हैं, तो मैंने कहा नहीं ऐसा ही हो। और फिर काशिफ तो भी मैंने बात की कि इमरान के अलावा मुझे तो कम से कम और कोई नहीं समझ आ रहा, अगर आपको आ रहा है, उन्होंने भी इमरान से इससे पहले इमरान के साथ काम नहीं किया था, तो वो कह रहे थे कि मैं चेक करता हूँ ऑडिशन वगैरह या उससे मिलकर, तो फिर वीडियोस पार्ट में उन्होंने क्लिक किया। इकरा के जब नाम आया, और इकरा के जब नाम इकरा फौरी तौर पे मेरे जहन में नूरी के लिए 2 से 3 लोग थे, लेकिन वो डेट्स का इशू था और वो इकरा ही बाद में आई, और मेरा ख्याल है कि बहुत सही हो गया, उन्होंने बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। आई थिंक सबने बहुत अच्छा किया, ऐसा किया कि रांझा रांझा करती हमारे, आपने इतना खूबसूरत लिखा, फिर उन सब ने आपके वर्ड्स को इतने अच्छे तरीके से स्क्रीन पे लेकर आए, हम सबके दिलों में वो बस गया है। आई थिंक हम रोते थे, हंसते थे, उसके लिए दुआ करते थे कि भाई इसका कुछ हो जाए, और फिर आपने एंडिंग इतनी जबरदस्त की, माशाल्लाह माशाल्लाह, सो आई एम सो हैप्पी। तो मुझे डर ये था यार इसकी ट्रेजिक एंडिंग नहीं हो, होपफुल एंडिंग हो, यू नो, जिसपे आपको उम्मीद पे आप रहे, उम्मीद पे जाए। अच्छा मुझे बताएं, जब आप लिख रही होती हैं तो आपकी सबसे ज्यादा प्रायोरिटी क्या चीज होती है, क्या या हर प्रोजेक्ट का एक डिफरेंट वो चलता है, या एक स्टैंडर्ड चीज है कि कोई एक चीज, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप बोलेंगी कि मुझे हैप्पी एंडिंग्स ही देनी है, या मुझे वायलेंस नहीं दिखाना, या कुछ भी, यू नो, कुछ होता है दिमाग में हर स्क्रिप्ट में, प्रायोरिटी है आपकी कुछ, या वो प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट वेरी करता है? प्रायोरिटी एक तो ये होती है कि मैं कभी ये नहीं सोचकर लिखती कि मुझे बहुत अलग कहानी पर काम करना है। अच्छा, कहानी मेरी रूटीन की भी हो सकती है। हाँ मैं ये चाहती हूँ कि मेरे कैरेक्टर्स जो है वो थोड़े से अलग हों। असलन एक सिचुएशन है, जो वो सिचुएशन बहुत से ड्रामों में आ चुकी हो, लव ट्रायंगल हो या दूसरी बीवी हो, उस सिचुएशन को हैंडल मेरा एक्टर जो है, करेक्टर जो है मेरा, वो थोड़ा डिफरेंटली करे। और वही जिंदगी है, मेरी जिंदगी में, आपकी जिंदगी में, किसी और की, एक ही सिचुएशन बार बार आती है, वो सिचुएशन एक होती है लेकिन आप उसको किसी और तरह हैंडल करती हैं, मैं किसी और तरह हैंडल करती हूँ, और वही अलग जिंदगी होती है, बाकी अलग कहानी कोई नहीं होती। कहानियां सभी की वही, हम इसी जमीन पर रहते हैं, यही हमारा मुआशरा, यही हम लोग हैं, तकरीबन एक जैसी कहानियां। तो मेरी सिर्फ यही प्रायोरिटी होती कि मुझे बिल्कुल घिसे पिटे अंदाज में डील करते नहीं दिखाना उस कहानी को, कहानी
हो सकता है कह सकते हैं कि घिसी पिटी हो, लेकिन उसको आप डील कैसे कर रहे हैं मेरे करेक्टर्स, तो वो। और दूसरा ये होता है कि एंडिंग का, जैसा आपने कहा, मेरे पास कभी भी एंडिंग नहीं होती स्टार्ट करने से पहले कहानी, और ये मेरे सभी चैनल और प्रोडक्शन हाउस जानते हैं, मेरे पास कोई वन लाइनर नहीं होता। मैं सिर्फ डिस्कस कर लेती हूँ कि ये टॉपिक है मेरा, ये एक दो बेसिक स्ट्रक्चर बता देती हूँ। आठवीं एपिसोड में क्या होगा, दसवीं में क्या होगा, पंद्रह में क्या होगा, कहानी का क्लाइमेक्स क्या होगा, ये ना मुझे पता होता है ना उन्हें पता होता है। तो वो इसलिए अगर कभी कोई ट्रेजिक एंडिंग आ जाए या कुछ, तो वो मैंने जानबूझकर पहले से सोचा नहीं होता। मुझे लगता है कि ऐसा करना जरूरी है, वल तो मेरी मुझे नहीं याद कि मैंने कोई बहुत ट्रेजिक एंडिंग की हो कभी किसी। तो आप ऐसा हुआ है कभी कि आप क्या करती हैं, आप क्या एक स्टोरी की दो एंडिंग्स लिखें फिर सोचें कि अच्छा इसमें से कौन सी, या एक ही एंडिंग की तरफ जा रही होती हैं आप? हाँ, कभी कभी ऐसा होता है कि मैंने कुछ और सोचा होता है, लेकिन मुझे लगता है कि टीवी के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि अभी हमारे ऑडियंस जो है उन्हें ओपन एंडिंग का कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता। वो कहते हैं तो कहानी अधूरी रह गई। हमें सबको देखना पड़ता है, जो लोग हमें देख रहे हैं जी, तो वो हमें उन्हें ओपन, मैंने एक दो बार किया था, मैं दीवानी हूँ का एंड जो था वो एक ओपन एंडिंग थी। थोड़ा सा बारीकी थी उसमें, तो बहुत से लोगों को लगा लास्ट एपिसोड कहाँ है, अब क्या होगा। तो मुझे मैसेजेस आए कि लास्ट एपिसोड क्यों नहीं चैनल ने ऑनर की, तो उससे मुझे लगा कि नहीं, जरूरी नहीं कि जो हम सोचे हम अपने लिए नहीं लिखते, हम दूसरों के लिए लिखते हैं और हमें उनके मिजाज को भी सामने रखना है। सही कह रही है, मैं भी। लेकिन सिर्फ ड्रामे को हिट कराने के लिए या किसी करेक्टर के लिए सिंपथीज लेने के लिए मैं उसको मार दूं, और अगर कोई मुझे ये चैनल या कोई मशवरा दे कि चूंकि ये करेक्टर बहुत हिट जा रहा है तो आप इसकी एंड में डेथ दिखा दे तो हिट हो जाएगा, तो वो मैं नहीं कर सकती। हाँ, अगर मेरी कहानी कहती है कि इस कैरेक्टर को मरना चाहिए तो फिर वो। अच्छा, मैं भी उन्हीं लोगों जिनको ओपन एंडिंग स्टोरीज नहीं पसंद ना, मतलब मैं कहती हूँ नहीं, और ये नहीं है कि समझ नहीं है, बस मुझे होता है कि नहीं यार, एक कहानी शुरू है, मुझे उसकी एक एंडिंग देखनी है, हीरो हीरोइन मिल जाए खुशी से या ना मिले या जो भी, एक 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 क्लोजर आ जाए, मुझे लगता है ऐसा ना। तो ऐसा होता है कि जब हम कहानी करते हैं, कहानियां कई तरह की होती हैं, कभी कभी हम किसी करेक्टर का, दो करेक्टर हमने लिए हैं, हम उनकी जिंदगी का एक पार्ट आपको दिखा रहे हैं, तो हमने वो पार्ट दिखा दिया, उसके बाद उनकी जिंदगी खत्म नहीं हुई, क्या होता है क्या नहीं, इसलिए ओपन एंडिंग रखी जाती है कि बाकी की लाइफ उनकी चल रही है, आगे भी बहुत कुछ होगा। अच्छा चलिए, मेरे पास बहुत से आपके, मुझे मेरा बस चले तो मैं आपके सारे ड्रामों में बैठ के एक अलग अलग वीडियो करूँ, लेकिन वो हो नहीं सकता है। आई वांट टू टच ऑन मोस्ट जो मुझे रीसेंट जितने हम गा सकते हैं ड्रामों पे, कुछ कुछ राजा राजा करती से शुरू करते हैं। क्या इंस्पिरेशन, कैसे आपके दिमाग में इतना, इस किस्म की स्टोरी कैसे आई आपके दिमाग में? मैंने बहुत पहले एक नॉवेल लिखा था जिसका एक बहुत छोटा सा करेक्टर था, टीपू, जो कि भोला था। उस ड्रामे, उस नॉवेल को, उसमें नूरी का समझे भी एक जैसा करेक्टर था, मैं उस नॉवेल से सेटिस्फाई नहीं थी, इन सेंस कि उसकी एंडिंग से या जिस तरह मुझे उन करेक्टर्स को एक्सप्लोर करना चाहिए था, वो एक नेगेटिव करेक्टर था उसमें नूरी का, गुल का। मैंने उसको रीराइट किया, मतलब सोचा कि अगर वो कहानी मैंने 25 साल की उम्र में लिखी थी तो आज अगर मैं उसको लिखूं तो क्या, किस अंदाज में लिखूंगी, क्योंकि 25 साल की उम्र में आपका जिंदगी को देखने का नजरिया और होता है। करेक्टर्स यूजुअली ब्लैक एंड व्हाइट लगते हैं आपको कि जिंदगी में या अच्छे लोग होते हैं या बुरे होते हैं, या अच्छे हालात होते हैं या बुरे। तो मैंने उस करेक्टर, उस नॉवल का बहुत छोटा सा करेक्टर था जिसकी उस नॉवल में एंड में डेथ भी हो जाती है, और उसमें जो होगा नूरी, अवल तो नूरी का करेक्टर बिल्कुल डिफरेंट था, उसका बैकग्राउंड सब कुछ उस नॉवल से, लेकिन जो उसमें फीमेल करेक्टर था वो नेगेटिव था, टोटली नेगेटिव। लेकिन इसमें मैंने फिर उसको थोड़ा सा यूं समझे, उसी कहानी को, उस करेक्टर को एक्सप्लोर किया कि अगर उसकी शादी होती, अगर वो ऐसा दिखता, उसमें वो समझे कि उस नॉवल का एक छोटा सा हिस्सा था वो टीपू, जिसको मैंने जब भोला बनाया तो मैं उसकी डेप्थ में गई, और फिर मैंने उसका पूरा एक सीरियल यूं समझे कि भोला के ऊपर खड़ा कर दिया। भोला के अलावा जो बाकी कैरेक्टर्स थे, जो भोला की माँ बनती है, भोला के जो चचा होते हैं, और नूरी हसन, ये नॉवल में नहीं थे। आई नो, मैं ये पूछी थी कि उनकी इंस्पिरेशन क्या थी, मतलब हर कैरेक्टर जो था ना, इवन जो भोला की कजन होती है वो भी लाइक उन सब की इतनी
एग्जिस्टेंस थी, इतनी प्रेजेंस थी, इतनी वैल्यू थी स्टोरी में, तो मैं ये जानना चाह रही थी. और वो जो मुझे उनके कैरेक्टर का नाम नहीं याद आ रहा है जो नूरी के साथ दूसरे ट्रैक पे है, जो पहले जिनके साथ नूरी इन्वॉल्व हुई है, के साथ उनका नाम नहीं याद आ रहा मुझे. सो वो ये कैसे आपने डेवलप किया, लाइक व्हाट वाज योर इंस्पिरेशन, क्या सोचा आपने? उसमें एक तो मेरी कोशिश होती है कि मैं कम से कम कोई नेगेटिव करेक्टर रखूं. लेकिन हो जाता है, आप जब दुनिया की जिंदगी की कहानी बयान करते हैं तो बुरे लोग भी आते हैं. तो जब मेरी कहानी में एक या दो थोड़े से ग्रे शेड के कैरेक्टर आ जाते हैं, टोटली नेगेटिव तो मैं चचा को भी नहीं कहूंगी, कम से कम वो जहर नहीं दे रहे थे या कोई किसी को कत्ल नहीं, लेकिन नेगेटिव. तो फिर बाकी मेरी कोशिश होती है कि बाकी कैरेक्टर्स में बहुत पॉजिटिव और सॉफ्ट दिखाऊं ताकि बैलेंस हो जाए. एक से ज्यादा आपको नेगेटिव कैरेक्टर नहीं मिलेगा मेरी कहानियों में. तो इस वजह से जो भोला की कजन थी उसका कैरेक्टर, माँ का कैरेक्टर, ये सारे फिर मैंने अच्छी की. बिल्कुल वैसे जैसे आप बंधे एक डोर में देखें कि अगर रोशनी मैंने थोड़ा सा ऐसा कैरेक्टर दिखाया, तो मेरी पूरी कोशिश थी कि मैं कम से कम जेठानी, सास, सब भाई इतने पॉजिटिव हो कि रोशनी का कैरेक्टर थोड़ा दब जाए, इतनी पॉजिटिविटी हो जाए कि जो एक नेगेटिविटी मैंने दिखा दी है वो इतनी लोगों को फील ना हो. ट्रू. लेकिन जिब्रान के कैरेक्टर की इंस्पिरेशन किधर से आई, और ये कहानी शुरू से आपके जहन में थी या कहानी जैसे जैसे आगे चलती गई उसका मोड डिफरेंट होता गया और एंडिंग यही आपने सोची थी, या एंडिंग पे जाके थोड़ा सा आपने सोचा कि मैं ये करूँ या ये करूँ, थोड़ा सा थिंकिंग प्रोसेस उस वक्त क्या चल रहा था हमारे साथ शेयर करें. बेसिक जो स्टोरी थी वो तो यही थी कि आप मोहब्बत का एहसास देर से होना और जब हो जाना, और कभी कभी आपको ऐसा लगता है कि आप, जैसा कि नूरी का था कि उसने मोहब्बत की बजाय इज्जत को चुना था, मोहब्बत बाद में उसकी जिंदगी में आई थी, लेकिन कभी कभी जब वो मिल जाती है फिर उसकी वैल्यू नहीं रहती, फिर आप मोहब्बत की तरफ लपकते, पहले उसको इज्जत चाहिए थी, इज्जत मिल गई, अब उसको कुछ और भी चाहिए था. तो बेसिक तो कॉन्सेप्ट यही था. सिचुएशंस जो आती थी, हाँ, वो मैंने पहले से नहीं सोची होती कि साहिर आएगा, ये होगा, प्लानिंग होगी, किसका दिल, वो सारा कुछ फिर हम बाद में साथ साथ आता रहता है. साहिर के कैरेक्टर की इंस्पिरेशन ये थी कि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो आप उनके साथ 20, 30, कभी कभी 50 साल गुजार देते हैं, आपको नहीं पता चलता कि वो अच्छे हैं या बुरे. और यही था, अब मैं 20-30 साल तो नहीं दिखा सकती थी, लेकिन जो अगर 30 एपिसोड थे तो कम से कम 25 तक आपको भी अंदाजा नहीं हुआ होगा कि साहिर चाहता क्या है, अच्छा है या बुरा है. तो अगर देखने वाला कंफ्यूज था कि साहिर का करेक्टर क्या है, क्या ये वाकई नूरी को चाहता है या उसको यूज कर रहा है, तो उसका मतलब है कि नूरी भी कंफ्यूज थी, उसको भी नहीं पता चला. तो ये साहिर का करेक्टर था असल में, कि जो बहुत हमारे साथ होता है कि हम बहुत बाद में जाकर जान पाते हैं किसी को. सही बात है. आपको अंदाजा था कि रांझा रांझा करती इतना मशहूर हो जाएगा, इतना ही कैरेक्टर भोला का इतना पागलपन हो जाएगा? लेकिन मुझे ये जरूर यकीन था कि लोग पसंद करेंगे, इसका मुझे जरूर पहले से यकीन था, लेकिन इतना ज्यादा होगा ये नहीं था अंदाजा. कोई फैन मोमेंट उस वक्त याद है, या कोई कमेंट आपको याद है जो आपने पढ़ा हो राजा राजा करती का, जब इतना अच्छा चल रहा था, जो आपके दिल को लगा हो, जो आपको अभी तक याद हो? बहुत से थे, जाहिर है वो ज्यादा, तो आप इमरान से पूछें तो उनको ज्यादा होगा, क्योंकि जब स्क्रीन पर आती है चीज तो उनका, और वो माशाल्लाह अल्लाह ने उनको इतनी इज्जत दी और वो उसके मुस्तहिक भी थे, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, यकीनन यूं समझें कि चार चांद लगाए हैं. तो ये तो फैन मोमेंट वगैरह तो उनको पता होगा, मेरे जाहिर है कि मुझे बाय फेस तो इतना लोग नहीं जानते, और जो फैमिली वाले हैं वो मुझे इतना ज्यादा सर चढ़ा कर नहीं हर वक्त मुझ पे मुझे कमेंट्स दे. आप ज्यादती कर रहे हो, उनको पता नहीं है, तो आपकी वो मिसाल है घर की मुर्गी दाल बराबर है ना. जी, इमरान ने आपको कभी फोन किया, कभी बोला कि आपने कितना खूबसूरत कैरेक्टर लिखा और मेरे लिए? हाँ, इमरान की हमेशा ही आदत है, और अल्लाह की आदत को बरकरार रखे. और ऐसे लोग बहुत कम हैं जो मोहब्बत से जिक्र करते हैं और दूसरे की अच्छाई की तारीफ भी करते हैं. स्क्रिप्ट की उन्होंने हमेशा तारीफ की, और ये तो मैं जब से शुरू ही किया था, तो जब पहले ये गजाला के हाथ जाता था, जो प्रोडक्शन हाउस जो कंटेंट देख रही थी, वो फर्स्ट एपिसोड से मुझे फीडबैक दे रही थी, वो तारीफें कर रही थी, तो उससे आपको और थोड़ा आप और कॉन्शियस हो जाते हैं. फिर डायरेक्टर के पास गया तो वो भी तारीफ ही करते थे, फिर एक्टर्स. तो उस वक्त मैं लिख ही रही थी, तो फिर आप बहुत ज्यादा कॉन्शियस हो जाते हैं कि अभी तक इतनी तारीफ हो रही है, ये ना हो कि आखिरी जो कुछ एपिसोड्स रह गई हैं वो मैं कुछ हल्की लिख दूं, जो कि मैं मानती हूँ मैं अक्सर कर जाती हूँ ऐसा, शायद मैं बोर हो जाती हूँ.
आप देखिए ना हर चैनल पे आजकल 20+ बल्कि 30+ एपिसोड्स का है, तो पता नहीं बाकी राइटर्स ऐसा बोर होते हैं या नहीं, लेकिन मैं अपनी ही कहानी से बोर हो जाती हूँ और मैं अक्सर आधा सीरियल लिखने के बाद 2 से 3 महीने का गैप देती हूँ अच्छा ओके ओके ताकि दोबारा शुरू करूं 16वीं 17वीं किस्त से, या कभी कभी 20 लिखकर मैं रोक देती हूँ खुद को और 2-2.5 महीने में सिर्फ टीवी देखती हूँ, अच्छा उससे फिर मुझे लगता है मैं एक नया सीरियल शुरू कर रही हूँ, तो फिर से एक्साइटमेंट आ जाती है। नहीं, आप कम एपिसोड्स वाला लिखती रहिए, हम भी बहुत बोर हो जाती 30+ एपिसोड्स देखिए, अनलेस नहीं कम एपिसोड वाला बनते ही नहीं है ना, अगर मैं कम लिखूंगी तो फिर उसमें डर ये है कि दूसरे उसको ज्यादा कर देंगे, तो उससे बेहतर है कि मैं खुद ज्यादा लिख दूं। इससे ज्यादा चैलेंजिंग हो गया है काम आपको लगता है, इससे लगता है आपको बहुत ज्यादा, कुछ नहीं बहुत आ जाता? ज्यादा, बहुत ज्यादा राबे, क्योंकि कहानियां हमारे पास दिन में जहन में 10 आती हैं। मैं राइटर हूँ और मैं हर चीज को कहानी के तौर पे देखती हूँ जो कुछ भी हो रहा है या उसको, लेकिन उनमें से हमें शायद ही कोई एक मिलती हो जिस पे हम लिख पाते हैं, क्योंकि हर कहानी को हमें ये सोचना पड़ता है कि क्या इस पे 35 एपिसोड्स निकल आएंगे, और ऐसा नहीं होता। तो बहुत से अच्छे टॉपिक्स हैं, बहुत सी अच्छी लाइंस हैं जिन्हें मुझे एक तरफ रखना पड़ता है कि नहीं इस पर नहीं लिख सकती, क्योंकि ये ज्यादा से ज्यादा 15 या 16 एपिसोड की इस पे निकलेगी, बहुत ही तो बहुत बहुत ख्याल, बहुत से आइडियाज हो जाते हैं। साइड बात है ये, बहुत कितने हैं, कुछ आइडियाज हमें नहीं मिल पा रहे हैं क्योंकि वो इतने लंबे नहीं हो सकते। मुझे भी बताएं कभी ऐसा होता है, मतलब हाउ डू यू रिएक्ट कि आपने कोई चीज सोची है दिमाग में अपने ड्रामे अपने कैरेक्टर के बारे में, लेकिन जब वो प्रोड्यूस हो गई तो वो उस तरीके से नहीं आ सकी जिस तरीके से आप सोच रही थी, और थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज भी हो गई मे बी डायरेक्शन मे बी प्रोडक्शन में मे बी थोड़ा खींचने में, तो आप कैसे रिएक्ट करती हैं, क्या करती हैं आप? ऐसा बहुत कम हुआ है राबिया लोगों के साथ, बाकी राइटर्स के साथ शायद स्टार्ट में ऐसा हुआ हो, उनके साथ भी ऐसा नहीं होता, मेरे साथ स्टार्ट में भी नहीं हुआ, क्योंकि मुझे आगाज में बहुत अच्छे डायरेक्टर्स मिले, यानी मेरा पहला सीरियल हाइसिन के साथ, टेली फिल्म्स जो थी मेरी पहली मजर मोइन के साथ थी, बाबर जावेद ने मेरा दूसरा सीरियल किया था, तो आपको अगर इतने परफेक्शनिस्ट डायरेक्टर मिल गए, और प्रोडक्शन हाउस भी मोमना का था, बाबर का था, हुमायूं सईद का था, तो उसमें आप गलती नहीं निकाल सकते। हाँ अगर मैंने स्टार्ट ही नए से किया, हालांकि मैंने कुछ नए डायरेक्टर्स के साथ भी काम किया है, बहुत से डायरेक्टर्स हैं जिनका पहला पहला प्रोजेक्ट मेरे साथ था, बहुत से हैं, लेकिन उन्होंने पहले में ही काम अच्छा किया, तो मुझे ऐसा कभी फील नहीं हुआ। हाँ थोड़ा बहुत कमी बेशी रह जाती है, करेक्टर आपने जैसा सोचा होता है वैसा नहीं आ पाता, लेकिन बात वही आ जाती है कि डायरेक्टर का भी एक विजन होता है, वो भी उसको किसी और तरह से देखता है। हाँ अगर वो बहुत बुरा हो, मेरे से अलग है वो होता है, लेकिन बुरा कर दिया वो ऐसा नहीं हुआ। हाँ ऐसा जरूर हुआ कि मैंने जैसा सोचा था वो नहीं था, लेकिन वो बुरा नहीं था कि मैं उस पर कोई बात करती, वो उसका विजन था और वो भी एक्सेप्टेबल था। प्रेम गली बड़ा मजा आ रहा है देख के, हम आई थिंक मैं हर रोज मंडे को आई एम लुकिंग फॉरवर्ड के आएगा, और मेरा मतलब मैं हंसूंगी मुस्कुराऊंगी तो। और प्रेम गली में जो मुझे चीज बड़ी इंट्रीग तो ये एक तरफ तो हम हंसते हैं इतने ज्यादा ठीक है, लेकिन दूसरी तरफ इट्स फुल ऑफ मैसेजेस, ये जब लिख रही थी तभी होता गया या पहले से आपके दिमाग में था कि मैं हंसाऊंगी लेकिन मैं लोगों को सोचने पे भी मजबूर? नहीं मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा, नहीं मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा, और मैं हमेशा से ये कहती हूँ कि मैं मैसेजेस नहीं देती, मेरा काम नहीं है मैसेजेस देना, आप पिक कर लें तो वो आपकी है, मैं कभी भी उस तरह से। हाँ प्रेम गली में ऐसा हो गया कि थोड़ा ज्यादा क्लियर हो गया जैसे आप मैसेज दे रहे हैं, तो वो जरूरी था क्योंकि हम एक सोसाइटी दिखा रहे हैं। आंगन के बाद प्रेम गली करने का मकसद ये था कि हम उसको थोड़ा कैनवस अपना बड़ा कर रहे थे, आंगन हमने एक फैमिली की कहानी दिखाई थी, वो सिंबॉलिक था, यानी कि एक फैमिली नहीं थी उसमें, देखें आपके और मेरे घर में सब में वो मसाइल नहीं आ पाते जो आंगन में हर करेक्टर के साथ थे, क्योंकि हमने एक 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 आंगन किया था लेकिन जो रिप्रेजेंट कर रहा था हर आंगन को, इसलिए हमने उसमें दूसरी शादी से लेकर बेऔलादी बड़ी उम्र की शादी जितने भी एक किसी फैमिली में कोई ना कोई एक इशू आ सकता था वो सारा किया। प्रेम गली हमने एक मोहल्ले की कहानी रखी थी, लेकिन आंगन में आसान था सभी को किसी हद तक परफेक्ट दिखाना, क्योंकि एक फैमिली में सब लोग अच्छे हों ये मुमकिन है, लेकिन एक मोहल्ले में भी सब लोग अच्छे हों ये मुमकिन नहीं है, उसमें कुछ बुरे लोग भी होते हैं, मुख्तलिफ सोच होती है, एक फैमिली की सोच अक्सर एक जैसी हो जाती है क्योंकि वो एक साथ पले बड़े होते हैं, एक ही माँ ने
उनको परवरिश की होती है, लेकिन एक मोहल्ले आपने जब दिखाना है तो मुख्तलिफ सोच दिखानी है, मुख्तलिफ। तो मैंने मैसेज देना या यूं कहिए कि अगर मैंने कोई बुरी उसमें चीज दिखाई, कोई भी जहेज या उसका, तो फिर मेरा फर्ज था कि मैं उसको फौरन उसका आपको सही नजरिया भी बता दूं। ये वजह थी, क्योंकि हमें दिखाना था मोहल्ले का कि उसमें क्या क्या कुछ बुरी भी चीजें हो सकती हैं, कुछ लोग गलत भी सोच सकते हैं, कुछ पुरानी सोच के भी हैं, लेकिन फिर उसको मुझे साथ ही क्लियर करना मेरी ड्यूटी थी। ओके, ये भी मुझे बताएं कि ट्रांसजेंडर्स को जिस तरह आपने फीचर किया, ये भी एक, ये कहां से आइडिया आया आपको? और ये अचानक आया था, ये बिल्कुल अचानक आया था, और मैंने सिर्फ एक मैसेज किया था नदीम बेग को कि क्या मैं ला सकती, मेरे ख्याल से अगर चैनल की पॉलिसी या कुछ ऐसा कोई इश्यू तो नहीं है। उन्होंने कहा कि दोबारा जैसे मैंने जब आंगन लिखा तो मुझे लगा एक फैमिली में जो कुछ हो सकता है, बहुत से लोगों को इस पर था एतराज कि आपको दूसरी शादी नहीं दिखानी चाहिए थी। फिर जब सज्जाद भाई की डेथ का हुआ उस पर भी लोगों ने कहा कि आपने उसकी डेथ, मैंने एक फैमिली की कहानी दोबारा नहीं लिखनी थी, मुझे उसी में लिखना था, मुझे उसी में डेथ भी दिखानी थी, सब कुछ दिखाना था। तो इसलिए मुझे लगा कि फिर मुझे ये ट्रांसजेंडर का इशू भी इसी में उठाना है, दोबारा किसी और सीरियल में। तो रिस्पॉन्स आ रहा है, आप एक्सपेक्ट करी थी कि लोग इतना अप्रिशिएट करेंगे? ये नहीं था बिल्कुल, ये मुझे नहीं था, मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी कि इतना अच्छा। इसका मतलब है कि लोग वही सोच रहे हैं जो मैं सोच रही हूँ, और हम सभी जो है अब सोच बदल रही है लोगों की। अच्छा, प्रेम कली में मुझे लगा जैसे अगर मैं आपके पूरा पिछले ड्रामे देखू ना, तो जैसे एक आंगन है, जैसे दिल लगी है, और भी राजा राजा करती, तो सारे ड्रामे ऐसे जाके ना क्लाइमेक्स आता है, फिर वो खत्म हो रहे होते हैं। लेकिन बंदे एक डोर से और प्रेम कली दोनों में मुझे लग रहा है कि वो फ्लैट काइंड ऑफ चल रहे हैं, यू नो, वो उनमें बंदे एक डोर से तो ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है, और प्रेम कली में कॉन्स्टेंटली हमें छोटे छोटे इश्यूज हम हर एपिसोड में देख रहे हैं, लेकिन कोई मेजर ड्रामा या मेजर इशू नहीं आ पा रहा है। क्या ये इसी तरह चलता रहेगा? आपने इसको डिफरेंट तरीके से ट्रीट किया है, इसके पीछे क्या थॉट थी, क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं? तो प्रेम गली जो है, जैसा कि आपने पूछा कि क्या थॉट थी इसके पीछे, तो पीटीवी के ड्रामों की उस स्कूल ऑफ थॉट पर मैंने लेकर उसको चला है। और अगर आप देखिए कि जिन ड्रामों को आप क्लासिक्स कहते हैं, आंगन टेढ़ा, ख्वाजा एंड सन, जंजालपुरा, आप वो उठा के देख लें, आप उसमें उससे कौन सा मेजर आपको ट्विस्ट नजर आएगा? Okay. कौन सी? वो छोटे छोटे रोजमर्रा की जिंदगी के वाकयात पर है। और मैंने हमेशा उन्हीं को नजर, जब मैंने आंगन लिखा था तो मेरे जहन में ख्वाजा एंड सन था, हालांकि आप देखें तो स्टोरी टोटली डिफरेंट है, लेकिन मेरे जहन में क्या था कि ख्वाजा एंड सन में एक फैमिली की कहानी थी, मगर मसाइल उनके वही थे सीरियस, लेकिन वो उसको लाइट अंदाज में किया था, तो इसी तरह किया। और जंजालपुरा मेरे जहन में था जब हमने प्रेम गली मैंने लिखना शुरू किया, और यही वजह है कि आप, मैंने कहा ना आप उनको क्लासिक्स कहते हैं, उसमें भी तो कोई बहुत बड़े ट्विस्ट एंड टर्न्स नहीं थे, रोजमर्रा की जिंदगी का थे, और वो मुख्तलिफ चीजों को हम लेकर चलते हैं, छोटी छोटी सी चीजें आती है, ऐसा नहीं है कि पूरी एपिसोड गुजर जाती है और आपको कुछ नया होता नजर नहीं आता उनकी जिंदगी में, जिंदगी में हो रहा है लेकिन बहुत बड़े कोई एक्सीडेंट, तलाकें, तेजाब, ये चीजें नहीं हो रही, वो होते हैं बिल्कुल मोहल्लों में, वो भी होते हैं, हम वो भी चुन सकते थे, वो तो फिर मैटर ऑफ चॉइस आ जाता है ना। मैं चाहती तो मैं ये भी कहानी लिख सकती थी कि उस मोहल्ले में कोई स्मगलर आके रहने लग गया है, या कुछ ऐसा बहुत बड़ी चीजें बिल्कुल आ सकती थी, लेकिन मैंने ये चूज किया कि मैं आम जिंदगी की छोटी उनके जो मसाइल हैं रोजमर्रा के, वो लिखूंगी। ये मुझे बड़ा फैसिनेट करता है कि आपके जो कैरेक्टर्स है ना प्रेम गली के, उनके जो नाम है उनके कैरेक्टर एग्जैक्टली ऑपोजिट है उन नामों के। सर्रा जो है वो कभी खुश होके बात नहीं करती है, हातिम जो है वो तो कंजूस नंबर वन है, यू नो, तो ये आपने सोच समझ के ये सैटायर का पॉइंट उठाया कि आप सोच समझ कर ये लिखे थे? जी, मैंने नेम बता करके किया था कि मैं कैरेक्टर्स के नाम ऐसे रखूंगी ताकि कैरेक्टर्स तो इंटरेस्टिंग हो ही, लेकिन उनके नाम भी इंटरेस्टिंग होने चाहिए। ताऊ हदायत है जो हदायत देते रहते हैं, और मतीन है जिनमें मतानत नाम को नहीं है। तो सभी करेक्टर्स के नाम जो हैं, तकरीबन सभी के, ओके, वो उनकी पर्सनालिटी को बिल्कुल अलग है उनसे। जब आप लिख रही थी तब क्या आपके दिमाग में एक्टर्स थे प्रेम गली के लिए कि मुझे इसको रखना है? बहुत से थे, क्योंकि ये ही आंगन के वक्त भी हुआ था, क्योंकि हमारे पास माशाल्लाह इस एज ग्रुप के इतने अच्छे एक्टर्स हैं, कभी कभी हम जो मेन लीड होती है हीरो हीरोइन उस पर अटक जाते हैं,
ये एज होनी चाहिए, नहीं ऐसा लगेगा या नहीं लगेगा, लेकिन जब हम उसमें आते हैं जो आंगन की भी थी एक पूरी कास्ट, और इस पर तो आपके पास इतनी वैरायटी है माशाल्लाह, इतने अच्छे एक्टर्स हैं कि आपको सिलेक्ट करना मुश्किल हो जाता है कि आप किसको ले और किसको नहीं। सही बात है। अच्छा मुझे ये बताइएगा कि प्रेम गली में जब ट्रांसजेंडर पे स्पीच देता है हमजा, तो वो सबकी सबकी ना एक नेगेटिव चीज पॉइंट आउट करता है, तो बस मेरे दिमाग जी में ही ख्याल आ रहा था कि जरूरी था कि हम उनकी अच्छाई को बताने के लिए हम और लोगों की नेगेटिविटी को हाईलाइट करते, ये करना जरूरी होता है। वो आप किस तरह उसको इन्विजन कर रही थी, क्या प्रोसेस था आपके दिमाग में जब आप ये लिख रही थी? क्योंकि वो सिचुएशन ही ऐसी थी ना, उनको ये कहा गया कि वो निकल, अब मैंने कहा ना कि राइटर के पास दो चॉइस होती है हर सीन को करने की, वो चूज करता है कि उसे कौन सी करनी है। हमजा वहां खड़ा होकर उनके हक में बयान भी दे सकता था कि ये यहाँ पर बहुत अच्छा रहेंगे, उनको गारंटी दे सकता था, सब कुछ करेगा, लेकिन उसका करेक्टर उस तरफ नहीं जाता। उसका करेक्टर थोड़ा सा अग्रेसिव है, थोड़ा सा अपनी, वो हम घर में नहीं देखते उसको ऐसा, क्योंकि वो बड़ों के साथ बहुत अदब के साथ और उसमें रहता है, लेकिन जहाँ वो बाहर बात कर रहा है तो वो कंपेयर कर रहा है ना उन सबसे कि आप रह सकते हैं तो ये क्यों नहीं। और कभी कभी ऐसा होता है कि हमें दूसरे को ये बताना बहुत जरूरी हो जाता है कि आप गलत हैं, आप ये नहीं उसे हर बार कह सकते कि आप बहुत अच्छी हैं, अगर वहां कुछ लोग हैं जो गलत हैं तो उनको ये बताना जरूरी था कि आप गलत हैं। लेकिन मुझे ये बताएं एक चीज, जो खवातीन है उस गली में, चार खवातीन, सर्रा शाहीन एंड दादी नानी एंड जोया, और फिर वो चार मर्द हजरात हैं। सो मर्द हजरात तो फिर भी जिंदगी में ठीक है 100% खुश थे, लेकिन थोड़े बहुत खुश और अपनी जिंदगी में मगन है और चल रहे हैं। लेकिन खवातीन बहुत बिटर है लेकर अपनी जिंदगी के, जो उनकी डेवलपमेंट्स हैं, जो उनकी डाइवोर्स हुई और सब कुछ। तो ये आपने जो दिखाया, मुझे बस उससे ये सवाल होता है कि क्या हम ये कह रहे हैं कि ऑडियंसेस ने भी कुछ लोगों ने ये बोला कि क्या ये देख रहे हैं कि औरत मर्द के बगैर खुश नहीं रह सकती, लेकिन मर्द औरत नहीं, के बगैर। अगर आप देखें, देखिए बिटर जो है नानी नहीं है, नानी का मिजाज ही ऐसा है क्योंकि वो बड़ी है घर की, वो सबके साथ उसी तरह बात कर रही है। शीरी का करेक्टर है तो वो बार बार बताया गया कि वो उसको शादी की, उसको तलाक ही इस वजह से हुई कि वो तरफ है, वो तो पहले से ही है, वो पहले से ही है, उसका मिजाज है। कुछ लोग बाई नेचर ऐसे होते हैं और वो है, हाँ मुसर्रत का है, लेकिन अगर आप ये कहें कि मर्द के बगैर जिंदगी उसकी ऐसी है, तो मैंने इसीलिए जैसे कि सब लोग कह रहे हैं कि इसका रोमांस शुरू क्यों नहीं हो रहा चाचा से, क्योंकि मैं ये नहीं दिखाना चाहती कि एक मर्द ने उसकी जिंदगी से गम, वो जिएगी मुस्कुराएगी लेकिन उससे पहले, ताकि दैट्स वेरी गुड। हम ये, ताकि लोगों को ये ना लगे कि चूंकि एक मर्द आ गया उसकी जिंदगी में तो उसने रोना छोड़ दिया, वो पहले रोना छोड़ेगी, पहले मुस्कुराएगी और फिर वो ये जिंदगी का ये दूसरा फैसला लेगी, तो इसलिए ये भी कहना गलत है। हाँ उसको हमने थोड़ा वीक दिखाया है जो कि ज्यादा सर पे सवार कर लेती है, और ऐसा भी है, हमने शीरी को दिखाया है जिसको कोई फर्क नहीं पड़ा कि अच्छा हो गई तलाक, या उसको याद भी नहीं करती कभी अपने हस्बैंड को वो, लेकिन वो भी होते हैं लोग जो बहुत ज्यादा किसी ट्रेजेडी को अपने सर पे सवार कर लेते हैं और सारी जिंदगी उसकी याद में रोते हैं, लेकिन उसका भी फिर मैंने उसको बदलते दिखा दिया। शीरी बाय नेचर ऐसी, शुरू आपने से इतनी ऐसी खूबसूरत है। बात बोली है कि उनकी मर्द के आने से पहले उसकी जिंदगी में वो खुश हो जाएगी बंदे एक डोर से। जी माहीन कुछ बोलती क्यों नहीं है, माहीन इतनी खामोश क्यों है, माहीन कब जाएगी, माहीन के पीछे क्या इंस्पिरेशन? जाग चुकी है, वो सिर्फ मांगती नहीं। कुछ करेक्टर्स होते हैं, मैं बहुत से ऐसे लोगों को जानती हूँ, शायद मैं खुद भी हूं, अगर मेरे साथ, आप यकीन करें मेरी है नेचर, अगर मैं देख रही हूँ कि मेरे साथ कोई झूठ बोल रहा है तो मैं कभी उसके शायद मुंह पे जता ना सकूं कि मैं जानती हूँ तुम झूठ बोल रहे हो, वो मुझे चीट भी कर रहा हो। मेरे साथ कई बार ऐसा हुआ है कि मेरी, मैंने खुद देखा कि मेरी मेड ने कुछ निकाल रही है और मैं कमरे से निकल जाती, यानी मैं उस पर शो नहीं करना चाहती कि मैंने तुम्हें देख लिया कि तुम मेरी कोई चीज चोरी कर, मतलब मुझ में इस हद तक है कि मैं उसको एम्बेरस ना करूं, या मुझे उसमें भी अपनी होती है, तो अगर मैं हो सकती हूँ तो वो कोई भी हो सकता है, ऐसा बहुत से लोग ऐसे होंगे। वो जाग चुकी है, उसको मांगने में या अपना हक जताने में शर्मिंदगी महसूस होती है कि मांग कर नहीं लेना, उसको ये जताना नहीं है। किसी ऐसे शख्स को मैं ये नहीं बता सकती कि मैं तुम्हें चाहती हूँ जो मुझे नहीं चाहता, बस इतनी सी बात है।
वो तो मुझे हाँ वो समझ बात आती लंबी होगी। है, वो मुझे समझ आती है, एंड आई रियली अप्रिशिएटेड कि वो बेग नहीं कर रही है, वो भीख नहीं मांग रही है, उसको दिखाया कि उसने कहा ठीक वो है प्लॉटिंग भी नहीं कर रही जी, वो प्लॉटिंग भी नहीं कर रही कुछ पाने। बिल्कुल वो चाहे तो कर सकती है ना, वो चाहे तो रोशनी की एक दो सबूत इकट्ठे करके ला के बता सकती है, लेकिन वो ये भी नहीं कर रही कि जी इससे क्या होगा। और वही मैंने दिखाया, मैंने आप देख लीजिएगा लास्ट एपिसोड, शायद आपके इस इंटरव्यू से पहले ही आ जाए, तो आप देख सकते हैं उसमें कि मैं चाहूं तो बहुत इजी है कि उमर कहीं छुपकर रोशनी की बात सुन ले या कोई उसको बता दे उसकी हकीकत, या लेकिन वो सच जानने के बाद अगर माही की तरफ आएगा तो उसको मोहब्बत तो नहीं कहते। वो तो ये है ना कि आपको एक नहीं मिला तो आप वापस घर आ गए कि चलो बीवी तो है ही। बिल्कुल सही बात वो सच जाने बगैर अगर रोशनी को ठुकराए या इनकार करे तो वो मोहब्बत होगी। सच जानने के बाद तो देखिए, अगर आपको पता चल जाए कि आदमी मुझे चीट कर रहा है तो आप तब तो छोड़ेंगे ही उसे ऑफ कोर्स जी, सही तो बात। वो तो बहुत लेकिन इजी है। इतने पॉजिटिव मैसेजेस के साथ मुझे ये समझ नहीं आती कि माहिन घर पे क्यों रुकी हुई है, माहिन क्यों ये कह रही है कि जितना अरसा भी लगे मैं यहाँ हूँ, मैं अपना घर जिंदगी त्याग कर दूंगी, मैं यहीं रहूंगी। वो उसके साथ ज्यादती नहीं होगी? बिल्कुल है, बिल्कुल है। और ये तो मैं इसीलिए मैंने उसका भाई का करेक्टर, अगर उसकी मैंने माँ दिखाई, वो अपनी माँ की वजह से ऐसा कर रही है कि मैं मान, और मैं यही दिखाना चाहती हूँ कि बाज़ोकात हमारी बहुत सी बहनें बेटियां सिर्फ इसलिए अपनी जिंदगी बर्बाद कर देती हैं। इसमें तो चले हमने हैप्पी एंडिंग दिखा दी, लेकिन हर बार हैप्पी एंडिंग नहीं होती। बाज़ों की जिंदगियां इस इंतजार में गुजर जाती हैं कि शायद बिल्कुल उनकी कोई कदर करे या करे, लेकिन वो वापस नहीं जा पाती हैं। और हर किसी के पास ऑप्शंस नहीं भी होते हैं। बहुत सी लड़कियां माहिन की तरह रह जाती हैं जिन्हें पता है कि उनकी बैक पे कोई नहीं है, वो इतनी एजुकेटेड नहीं है कि वो इंडिपेंडेंट होकर भी रह सकें या वो अपने आप को ठीक से रख सकें। कुछ के तो बच्चे भी होते हैं, लेकिन वो सब करनी पड़ती है। तो इसलिए ये मैसेज तो फिर उनके माँ बाप के लिए कि अगर आप सपोर्ट करें, उनको ये यकीन हो कि हम वापस जाएंगे। तो इसलिए मैंने भाई का करेक्टर ऐसा रखा है, मोनस का, जो कहता है कि मेरी बहन को जरूरत नहीं है दुनिया वालों के डर से, वो अपनी जिंदगी वहां गुजार दे। और मैं चाहती तो मैं यकीनन अगर मेरा एंड थोड़ा मुख्तलिफ होता तो मैं ये भी दिखा सकती थी, लेकिन बात फिर वही आ जाती ना, लोग पसंद करते हैं, हमें फिर उनकी भी देखना पड़ता है। और अभी तो मेरी इतनी कोशिश के बावजूद इतना कुछ सुनने को मिलता है, तो उसमें शायद मुझे ये सुनने को मिलता कि फायजा जो है लड़कियों को तलाक पर उकसा रही है और अकेले रहने पर कर रही है। अभी हम बहुत कुछ सुनते हैं, हम बहुत कुछ सुनते हैं। अभी आप भी अच्छा पढ़ती होंगी कमेंट्स में, और हाँ तो अभी आप पहली सी मोहब्बत के रिसर्च पर भी मैं यही सुन रही हूँ कि मुआशरे में बेहयाई और फहाशी फैलाई जा रही है। तो फिर हमें बहुत मुहतात होकर चलना पड़ता है। अच्छा पहली सी मोहब्बत क्या इंस्पिरेशन है? व्हाट मेड यू राइट पहली सी मोहब्बत? पहली सी मोहब्बत में मुझसे एक दो बार कहा गया कि मैं कोई लव स्टोरी लिखूं, और मैंने उसको जैसे मजाक में टालते हैं कि नहीं लव स्टोरीज नहीं लिखनी, अब मेरा दिल नहीं चाहता लव स्टोरी को लिखने को। मेरी बात हो रही थी किसी से तो उन्होंने कहा क्यों, तो मैंने कहा कि लव स्टोरी से तो मेरा बहुत देर पहले ही, समझे कि टीनेज में ही, बल्कि बचपन में ही यकीन उठ गया था। क्योंकि हमारे एक, मैंने उनको एक छोटा सा वाक्य अपने मोहल्ले का कोई बताया बचपन का, तो उन्होंने कहा यही तो कहानी है, आप इस पर लिख, यही तो कहानी है। और फिर अच्छा मैंने लिखा, मेरा कोई इरादा नहीं था लिखने का, और ये उसी वक्त बनी कहानी और उसी वक्त लिखना शुरू हुई, और ये 1 महीने में लिखा गया तकरीबन। वाह है उसके बाद जैसा कि मैंने आपको बताया मैं ब्रेक ले लेती, तो आखिरी 5 एपिसोड के लिए मैंने 2 महीने की ब्रेक ली, लेकिन 90% ये 1 महीने में लिखा गया सो इट्स था। बेस्ड ऑन अ ट्रू स्टोरी, कोई जो आप जैसे बता रही है कि आपकी नहीं, आपकी पूरी ट्रू स्टोरी नहीं, उसका एक करेक्टर है जो जाहिर है कि आप किसी को दूर से देखते हैं तो आप उसकी पूरी जिंदगी या पूरी कहानी तो नहीं जानते। मैंने तो एक एंगल देखा था, किसी यूं समझे कि बिल्कुल दूर से आप किसी आदमी को देखते हैं और उसके साथ क्या हो रहा है, तो बाकी कुछ आप अज्यूम करते हैं कि ये हुआ होगा। तो वो ट्रू स्टोरी तो आप नहीं कह सकते, लेकिन वो एक एंगल था जो मेरे जहन में रह गया, जो मैंने शायद, मैं उस वक्त 14 या 15 साल की थी, तो मेरे जहन में रह गई थी वो चीज। तो उसपे ट्रू स्टोरी तो आप नहीं कह सकते। हाँ वो एक स्टोरी थी जिसने मुझे इंस्पायर किया कि मैं उस पर स्टोरी लिखूं, तो स्टोरी तो यूं नहीं है। हाँ उसमें हमने बहुत से एंगल्स दिखाए हैं जो नए हो सकते हैं लव स्टोरी के लिहाज से। सो इट्स अ प्योर लव स्टोरी, इट्स एन आउट एंड राइट। जी प्योर लव स्टोरी है। और कुछ हंसी मजाक नजर आएगा या हम रो रहे होंगे सीरियस इंटेंस किस्म की? हीर रांझा
उस टाइप की है जमाने की। लाइट का तो जाहिर है हमने दो बिल्कुल यंग लोगों की कहानी चुनी है, तो उनकी जिंदगी में जब तक दुख आ नहीं जाता आप थोड़ा सा मुस्कुराएंगे भी, कॉमेडी तो आप नहीं कह सकते, लेकिन ये एक सीरियस स्टोरी ही है, इंटेंस किस्म की, जो होती ही चली जाएगी इंटेंस, लेकिन आप इसको ट्रेजिक भी नहीं कह सकते। ओके ओके। और जो कैरेक्टर्स जो एक्टर्स कर रहे हैं वो आपके दिमाग में थे जब देख रही थी, या इट्स अ नाइस सरप्राइज फॉर यू टू सी माया एंड मेरे जहन में कोई भी अदाकार नहीं था, बल्कि मुझसे जब पूछा जाता था कि आप कोई बताएं तो मैं बिल्कुल ब्लैंक होती थी। तो मैंने उन्हें ये कहा कि मुझे तो कुछ नहीं, आप मुझे ऑप्शंस दे दें तो शायद मैं उसमें से सेलेक्ट करके आपको बता दूं कि ये बेहतर रहेंगे, क्योंकि मेरे वाकई जहन में कोई अदाकार नहीं आ रहा था उस टाइम। अभी जो आप ट्वीट्स की बात करी थी, रिएक्शन जो आ रहा है, तो अभी आपका क्या रिएक्शन है वो सारे रिएक्शन पढ़ के? पहली सी मैं तो बहुत एंजॉय करती हूँ, मैं जब यूट्यूब पे, अक्सर मैं यूट्यूब पे ही देखती हूँ कोई ना कोई ड्रामा, क्योंकि खासतौर पे अगर वो जियो का हो, क्योंकि जियो वाले एड्स बहुत देते हैं, तो मुझे थोड़ा सा वो होता है कि मैं एक को बैठ कर देखूँ बाद में यूट्यूब पर, तो उससे ज्यादा मजा जो आता है ना मुझे कमेंट्स पढ़ने का, माशाल्लाह इतने अच्छे कमेंट्स होते हैं जो, मतलब आप पढ़ना ही चाहते हैं। पहले तो मैंने इस चौक में पढ़ना चाहे कि मैं देखूं कि लोग क्या कहते हैं, लेकिन अब मैं उसको एंजॉयमेंट के लिए पढ़ती हूँ, क्योंकि जो लोग, जो मैं जानना चाहती थी कि मेरे किस कैरेक्टर को पसंद किया जा रहा है, किस पर किस चीज को लोगों ने पसंद नहीं किया, ताकि मैं आइंदा वो लिखते वक्त ध्यान में रखूं, वो मुझे कभी पढ़ने को नहीं मिला। मुझे सिर्फ पढ़ने को ये मिला कि सांप के कांटे का इलाज क्या होता है, और कद लंबा करने का तरीका क्या है, और शादी जल्दी होने का वजीफा क्या होता है, और कब्र में कितने लंबे बिच्छू होते हैं, ये सारी चीजें मुझे कमेंट्स में पढ़ने को मिलती है। कभी ड्रामे से रिलेटेड शायद ही कोई चीज पढ़ने को मिली हो, अगर होती भी है तो वो ये होती है कि मुआशरा खराब हो गया है, वो जो आंगन के वक्त से भी पहली सी मोहब्बत में HSY को देखकर भी लोगों ने वही कमेंट किया, जो आंगन में तो मेरा इनबॉक्स भरा होता था कि आप मौलवी को बुरा क्यों दिखा रही है, तो मैं हैरान रह जाती थी कि जाहिद को मैंने बुरा कहाँ दिखाया, वो तो आंगन का सबसे मासूम किरदार था, क्या बुराई थी जाहिद के किरदार में? नहीं आप बताइए, वो एक अच्छा शोहर था, लॉयल था ना अपनी बीवी के साथ, क्या हमने उसको कहीं किसी बाहर किसी औरत पर नजर डालते दिखाया, क्या उसे भाइयों को चीट करते दिखाया, क्या उसे रिश्वत लेते, सूद खा, कोई गुनाह करते दिखाया, माँ बाप से नाफरमानी करते दिखाया, कोई झूठ, कुछ क्या बुराई दिखाई मैंने उसमें जो मुझ पे इतना ज्यादा कि मौलवी को बुरा दिखाया, मैंने उसे बिल्कुल बुरा नहीं, वो तो सबसे मासूम किरदार था। इसी तरह आपने अभी पहली सी मोहब्बत में उनको देखे कि मौलवी को बिल्कुल HSY का किरदार बुरा नहीं है, एक अच्छे शोहर है, एक अच्छे बाप है, अगर वो आपको लव लेटर्स फाड़ते हुए नजर आए हैं और ये कहते हुए, तो ऐसा एक करेक्टर आपके मेरे हर किसी के एक फैमिली में होगा, हमारे नाना दादा मामू, तो क्या वो बुरे थे? वो उनकी सोच थी, उनकी मेंटेलिटी थी जो बुरी थी, वो पुराने ख्यालात थे। मेरी भी फैमिली, मेरी दादी आज जिंदा होती तो वो भी यही कह रही होती कि ये इंटरनेट ने सबको खराब कर दिया है, और ये मतलब हर फैमिली में एक नानी दादी होती है जो कि इंटरनेट को, सोशल मीडिया को और बहुत बुरा समझती हैं, और ये कि को एजुकेशन बुरी है, ये वो चीजें, तो वो बुरे तो नहीं होते ना, उनकी सोच होती है पुरानी। Okay. अपनी जगह वो बहुत अच्छे लोग होते हैं। So, हम क्या पहली सी मोहब्बत में कुछ पुराना टाइप रोमांस देखने वाले हैं? मुझे आपकी बातों से थोड़ा सा ऐसा लग रहा है, इज दिस व्हाट वी शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर? क्योंकि उसकी फील भी जो है ना, अगर आप टीजर्स देखें, जो उसकी फील भी बड़ी विंटेज टाइप है, और बहुत लाइक आपको लगता है आपको रोमांस की ओवरडोज मिलने वाली है, आप किसी एक बहुत ही डीप लव स्टोरी में जाने वाले हैं, क्योंकि आपको शायद ही वो कहीं बाहर अकेले मिलते नजर आए। ओके। क्योंकि मैं जो चीज लाना चाह रही थी, जो तड़प और जो कसक, वो उसमें आ नहीं सकती थी एक मॉडर्न लव स्टोरी में, जिसमें आप SMS पर या जूम पर या व्हाट्सएप पर हर वक्त अवेलेबल होते हैं एक दूसरे के लिए। वो चीज लाने के लिए मुझे बहुत तड़प, और शायद ही आप उनको कभी कभी दो एपिसोड बाद, कभी तीन बाद, कोई आमने सामने सीन ऐसा कोई देख पाए, मुश्किल से। इसीलिए जो उसके टीजर्स है जिसमें लोगों ने कहा कि वो उसका पीछा कर रहा है, वो पीछा नहीं कर रहा, वो उसकी एक झलक देखना चाहता है, और वो भी उसकी इजाजत से। तब वो एक वक्त था उस वक्त यही होता था कि आप सिर्फ किसी को देखने के लिए एक नजर, आप 2 घंटे बाहर खड़े रहते हैं, हरास करना एक बिल्कुल डिफरेंट चीज हो जाती है, लेकिन बस कहना भी तो है ना कुछ। आप जोया और हमजा के साथ भी हम यही देख रहे हैं कि जोया उसका, हम जब शॉपिंग के लिए जाती है फरी के साथ, तो हमजा उसके पीछे पीछे जा रहा है, इसमें भी हम ये देख रहे हैं कि आप जैसा बता रही हैं। आपको लगता है न्यू जनरेशन
एक्सेप्ट कर सकेगी इस ओल्ड स्टाइल को या नहीं? सभी कुछ होता है. अभी आप किसी की प्रोफाइल स्टॉक करते हैं किसी को, वही चीज है, वही चीज है ना. मैं जो माहौल दिखा रही हूँ, हाँ मतलब मैं जो माहौल दिखा रही हूँ, आप उसमें लैपटॉप के आगे बैठ के उसकी वॉल चेक नहीं कर रहे, किसकी फ्रेंड्स लिस्ट में कौन कौन है उसकी, क्या ये नहीं कर रहे आप, किसी और तरह से कर रहे हैं, क्योंकि मेरे कैरेक्टर्स किसी और बैकग्राउंड से हैं. मैं थोड़ा सा पुराने जमाने की लव स्टोरी ज्यादा दिखाती हूँ जिसमें चार्म नजर आता है, ओल्ड स्कूल रोमांस में. तो बस यही फर्क है, वरना ऐसा वो कुछ नहीं कर रहे जो आज नहीं होता. आज थोड़ा डिफरेंट तरीके से हो जाता है. आप किसी को इंस्टा पे फॉलो कर रहे होते हैं, वो भी एक तरह से स्टॉकिंग ही है. मुझे आपकी राइटिंग जो है ना फैजा, वो मुझे लगता है इट्स अ मिक्सचर ऑफ अनवर मकसूद एंड हसीना मोइन. आपको कभी लगता है कि आप इंस्पायर्ड हैं उनसे, या आपको कभी दिमाग में लिखते हुए उनसे कुछ आता है या क्या? नहीं, मैंने तो बहुत, मुझे अनवर मकसूद के तो याद है चीजें, उन्होंने ड्रामा के अलावा जो मैंने ज्यादा वो चीजें देखी हैं जो उनके ड्रामा नहीं है. देखे होंगे यकीनन, उस वक्त तो एक ही तो ड्रामे आते थे 8 बजे, तो आपने देखे होंगे. मुझे बिल्कुल उस तरह से याद नहीं है. आंगन टेढ़ा के और सितारा और मेहरुन्निसा थे. बाकी मैंने उनको बहुत देखा है, जो उनका मोइन अख्तर के साथ जो था उनकी चीजें. तो ये नहीं है कि मैं कह रही कि मैंने अनवर मकसूद का काम नहीं देखा, बहुत देखा है. बल्कि मुझे तो उनके शायद कुछ जुमले जुबानी याद होंगे, लेकिन ड्रामा उनका मैंने बहुत कम देखा है. हसीना मोइन का है, उनका भी मैंने बहुत कम देखा है या याद रह गया है मुझे. उसकी वजह यह है कि उस वक्त मुझे लाहौर, मैं लाहौर की हूँ, और या अपना अपना एक मिजाज होता है. मैंने जैसा कि आपको बताया कि मैंने स्टार्ट बहुत सीरियस चीजों से किया था, तो मुझे उस वक्त सीरियस चीजें पसंद थी, जो शायद लोगों को बहुत अजीब लिखे क्योंकि आज मैं कॉमेडी लिखती हूँ. लेकिन एक टाइम होता है आपका, हर एज में एक अलग पसंद या ना पसंद होती है. तो जिस वक्त पीटीवी के ड्रामों का वो दौरा था, मेरे कॉलेज लाइफ और वो, तो उसमें मैं अमजद इस्लाम, अमजद अहमद, नदीम कासमी के, मुस्तनसर हुसैन तारड़ के, मुझे सूरज के साथ साथ की पूरा एक एक डायलॉग याद है मुझे. मुझे लाहौर सेंटर के, मुझे क्वेटा सेंटर के ड्रामे बहुत पसंद थे. Okay. बहुत पसंद थे मुझे उनके ड्रामे. मुझे डॉक्टर डायना साजिद के पसंद थे. अगर आप ये कहें कि मुझ में किसी का रंग आता भी है, तो शायद अगर मैं किसी से इंस्पायर हूं तो मैं अताउल हक कासमी और अमजद इस्लाम जद का मैंने बहुत थोड़ा सा असर लिया होगा. कि हर बहुत से करेक्टर्स में, अगर वो संजीदा भी लिख रहे हैं, तो अमजद इस्लाम जद का अगर आप पैटर्न उठाएं, तो उसमें आबिद कश्मीरी के रूप में एक करेक्टर होता था, और कोई ना कोई एक पंच लाइन उनकी जरूर फेमस हो जाती. बहुत सीरियस ड्रामे में भी वो सिचुएशंस ले आते थे जो थोड़ी सी लाइट कर देती थी सिचुएशन को. और अताउल हक कासमी का भी है, सनसर हुसैन तारड़ के हैं, नूर आबा के हैं, नूरुल हुदा शाह की मैं बहुत फैन रही हूँ उनके ड्रामे. तो जो वो जो मैंने देखे हैं, जो बचपन से जहन में नक्श हुए, बचपन भी क्या, उसके बाद कॉलेज में भी धुआं, ये चीजें मुझे पसंद थी. उस वक्त मैं शायद रोमांस वाली साइड पर नहीं थी, उम्र बढ़ने के बाद मैं वो हसीना मोइन वाली साइड पर आई हूँ. तो ये मुझे ओके ओके. जंजबील से जब हमारी बात हो रही थी प्यार के सदके के बारे में, तो उन्होंने कहा कि 8 बजे वाली जो ऑडियंस होती है, उनको अपना राइटिंग स्टाइल उनको मैच करने के लिए बहुत दफा बहुत सिंपल करना पड़ता है. आपको भी यही स्ट्रगल लगती है? आप एग्री करती हैं इस चीज से? आपको लगता है कि जो ऑडियंस है मेजोरिटी, उसके लिए कभी कभी आपको सिंपल थोड़ा सा अपने जितना जिस लेवल पे आप चाह रही हो उससे एक लेवल नीचे आके बात करनी पड़ती है? Do you agree with it? आपका क्या point of view है? नहीं, लेवल वाली बात तो मैं नहीं करूंगी, क्योंकि वो फिर हमारे ऑडियंस को डिग्रेड करने वाली बात होगी ये कहने की कि मेरा लेवल उनसे ऊंचा है. हाँ, मैं ये कोशिश जरूर करती हूँ कि मैं वो बात करूँ जो उन्हें पसंद आए, उनके लेवल की हो या नहीं ये तो मैं नहीं कह सकती. लेकिन बात वही आ जाती है कि आपकी हर दौर में हर चीज में अलग चॉइस. जैसा कि मैंने अभी खुद बताया कि मैं जब अपने 20s में थी तो मैं जी संजीदा चीजें पसंद करती थी, और बाद में मैंने किया. हालांकि लोग कम उम्री में लाइट चीजें पसंद करते हैं, रोमांस पसंद करते हैं, कॉमेडी पसंद करते हैं, और मैच्योर होने के बाद वो दूसरी तरफ आते हैं. तो अगर मैंने उस तरह से लिया, तो अगर लोग जो है वो देखना चाहते हैं बैठ कर कोई फैमिली की कोई चीज, तो मेरा नहीं ख्याल कि मुझे कोई राइट है कि मैं उन्हें कोई डॉक्यूमेंट्री दिखा दूं. Okay. या मैं उन्हें कोई स्पाय थ्रिलर दिखा दूं. और जिनको देखना है स्पाय थ्रिलर, वो देखते ही नहीं 8 बजे. ये बात बिल्कुल ठीक है, 8 बजे की एक टारगेट ऑडियंस है, उसको ही हमें देखकर लिखना होता है कि उनको
क्या पसंद आता है, और ये तो डिमांड एंड सप्लाई वाली चीज है ना। आप भी देखें, जिस कोई भी काम मैं शुरू करूंगी तो मैं जिस जगह कर रही हूँ मैं ये देखूंगी कि वहां के लोग ये क्या पसंद करते हैं, चाहे मैं वो फूड कैटरिंग का कुछ कर रही हूँ, मैं कोई गारमेंट्स का शुरू कुछ भी करूंगी, तो मैं वो उस जगह को देख कर उनका मिजाज उस तरीके से अपना बिजनेस करूंगी। तो ये भी एक बिजनेस है अगर आप इसको इस तरह से सोचें। हम कैसे किसी स्कूल के बाहर कुछ और बेच सकते हैं जबकि स्कूल के बच्चों को आइसक्रीम ही खानी है बाहर निकल के, ठीक है ना। आप समझ रही ना कि ये वजह होती है कि हमें उनका एहतराम करना है कि उन्हें क्या चाहिए। Okay. वो यही देखना चाहते हैं। टच बटन, वी आर एक्सपेक्टिंग, हम कुछ बहुत मजे की चीज एक्सपेक्ट कर रहे हैं, बड़े ईगरली वेट कर रहे हैं कोरोना कुछ हमें सकून का सांस दे तो फिर टच बटन भी देखने को मिले हमें बहुत जल्द जी इंशाल्लाह। उसमें लिखते हुए क्या दिमाग में था आपने, क्या स्टोरी हमें आप दे रही हैं उधर, कुछ हमें कुछ आइडिया दे सकती? स्टोरी तो ऑफकोर्स नॉट, बट इट्स गोइंग टू बी अ रोम कॉम, इट्स गोइंग टू बी सम एडवेंचर, क्या है फैमिली की कहानी? चूंकि हमारी पहली फिल्म थी, मेरी भी, कासिम की भी, हम सभी सभी पहली बार कुछ कर रहे थे फिल्म में, तो हमने सोचा कि हम किसी एक चीज को ना पकड़े, कि हम सिर्फ रोमांस ना दिखाएं, हम सिर्फ कॉमेडी ना दिखाएं। ओके ताकि, क्योंकि देखिए टीवी का बात वही आ जाती है, 8 बजे वाली ऑडियंस, 10 बजे वाली, 7 बजे वाला सोप देखने वाले, और फिल्म अभी पाकिस्तान में फैमिली एंटरटेनमेंट है, फैमिली के बगैर कोई नहीं। आप अकेली फिल्म देखने नहीं जाती होंगी, मुझे नहीं लगता कि आप कभी अकेली जाएंगी, आप क्या फैमिली के साथ जाएंगी या फ्रेंड्स के साथ जाएंगी। अभी तक सिनेमा पाकिस्तान में, बल्कि मोस्टली पूरी दुनिया में फैमिली एंटरटेनमेंट ही कहलाता है, तो फैमिली में हर तरह के लोग आ जाते हैं। अगर मैं कल को जाती हूँ कोई फिल्म देखने तो मेरे साथ मेरा टीनेजर बेटा भी है, मेरे हस्बैंड भी होंगे, हो सकता है मैं अम्मी को भी साथ ले जाऊं, तो फिर हम कोई ऐसी चीज देखना चाहेंगे जो सबको पसंद आ जाए। सही बात है, सही ये बात है। तो फिर फिल्म में हमें कोशिश करनी चाहिए अभी कम से कम, अभी जिस स्टेज पर हमारा सिनेमा है, क्योंकि हमारे पास इतनी चॉइस नहीं है कि मैं एक फिल्म देखने गई हूँ तो मैं अम्मी को एक फिल्म और देखने बिठा दूं कि आप ये देखें, ये आपके मतलब की है, बेटे को किसी साइंस फिक्शन में बिठा दूं और खुद कहीं और, क्योंकि हमारे पास तो साल में 2 फिल्में लगती हैं, आपके पास इतनी चॉइस नहीं है कि आप अपनी अपनी मर्जी की फिल्म सारे लोग पसंद कर लें, किसी को थ्रिलर देखनी है वो थ्रिलर देखने चला जाए, किसी को कोई साइंस फिक्शन देखनी है, कोई एलियंस की देखनी है, इतनी चॉइस ही नहीं है हमारे पास। ईद के 2 फिल्में आती हैं तो वो 2 फिल्में थोड़ा सा 12 मसाले की चाट होनी चाहिए। अभी मेरा ये सोचना है, जो शायद किसी को गलत भी लगे कि एक्सपेरिमेंट करना है, अभी हम एक्सपेरिमेंट करने की स्टेज पे नहीं, अभी हमें सिनेमा को खड़ा करना है, जब वो खड़ा हो जाएगा तो फिर हम लोग भी बना लेंगे। आप किसी और फिल्म पे काम कर रही हैं या अभी अभी कुछ ब्रेक लिया हुआ है फिल्म से? Are you writing another? नहीं, अभी तो मैंने नहीं, अभी सिर्फ बातचीत चल रही है, एक दो कुछ आइडियाज हैं, लेकिन अभी कुछ स्टार्ट नहीं किया मैंने। थैंक यू सो मच फायजा कि आपने टाइम निकाला और हमसे बातचीत की और कुछ हमें इनसाइट मिली, राजा राजा करती, प्रेम करी, बंदे एक डोर से। आई होप और व्यूअर्स को भी मजा आए और आपके बारे में भी कुछ मैंने नया जानने की कोशिश की, क्योंकि आपके फैंस जानना चाह रहे हैं कि आप क्या कैसे सब कुछ। सो थैंक यू सो मच और वी लुक फॉरवर्ड टू पहली सी मोहब्बत एंड न्यू प्रोजेक्ट्स बाय यू। थैंक यू सो मच।